वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सरफराज़ और आज सिक्स्थ चैप्टर का आपको 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कराएंगे। इसमें दिया हुआ है कि आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है। क्या दिया हुआ है? पी ओ क्यू एक रेखा है। आगे क्या दिए हुए? किरण ओ आर रेखा पर, ओ आर रेखा पर एक लंब है। पी ओ क्यू एक रेखा है, इस पर ओ आर एक लंब है जिसमें किरणों ओ पी और ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच में एक ओ एस किरण है। अब इसमें सिद्ध करना है कि ओ आर पी ओ क्यू पर एक लंब है। ओ आर और ओ पी के बीच ओ एस एक किरण है, ये दे रखा है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है एंगल आर ओ एस बराबर हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका है बच्चों, पहले ये ले लेते हैं हम पी ओ आर, आर ओ एस बोला था ना उसमें, आर ओ एस ही लेते हैं हम। आर ओ एस बराबर एंगल पी ओ एंगल आर ओ एस ले लिया बराबर एंगल पी ओ एस माइनस एंगल पी ओ आर, ठीक है ना, या आर ओ पी एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस, पी ओ एस, ठीक। ये हमने ले लिया पहला। अब एंगल आर ओ एस दोबारा ले लेते हैं बराबर एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर या आर ओ क्यू, आर ओ क्यू कोई भी ले लो, ये ले लो सेकंड, ठीक है। अब समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, जोड़ लो इनको, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है, बराबर एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर,
QOR, ठीक है। अब ये जोड़ दिया हमने, इसमें एंगल POR या ROP और एंगल ROQ या QOR कितना है, 90-90 डिग्री का है, ठीक है। अब इसमें लिख लेंगे एंगल QOR और एंगल ROP बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें ये जोड़ लेंगे दोनों, टू एंगल ROS बराबर एंगल ROP 90 डिग्री माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, इससे ये कट गया, बचा क्या, ये। अब ये माइनस है तो माइनस वाला इधर आ जाएगा, प्लस वाला इधर आ जाएगा, तो 2 एंगल ROS बराबर एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। अब ये 2 यहाँ आ जाएगा इधर पे, ठीक, नीचे 1/2 हो जाएगा ये, तो एंगल ROS बराबर हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, तो ये आपका सवाल सिद्ध हो गया। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, ये एंगल ले लेने हैं, इस एंगल को निकालना है, इसको ले लेना, इस एंगल में से ये एंगल 90 में से ये एंगल माइनस कर दो, और 90 में से ये एंगल माइनस, इस एंगल में से 90 का माइनस कर दो, और आंसर आराम से निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि सवाल दिया हुआ है कि यह दिया है कि एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। एक्स वाई जेड बना लेते हैं पहले हम, एक्स y z 64 डिग्री है, और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, एक्स वाई को, इसको x मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, बिंदु P तक बढ़ाया गया है, ठीक है। दी हुई सूचना में एक आकृति खींचिए, यदि किरण YQ एंगल ZYP को समविभाजित करती है, बराबर बराबर बांटती है, ठीक है, समविभाजित करती है, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक, बीच के बीच में से निकलती है, तो XYQ और XYP के मान ज्ञात कीजिए। लो भाई, क्वेश्चन है ये दिया हुआ है क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो हम
क्या ले लेंगे कि एंगल पी ओ जेड वाई पी और प्लस एंगल जेड वाई एक्स वाई जेड कितना होगा, एंगल जेड वाई पी प्लस एंगल एक्स वाई जेड बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की वजह से बता रखा है आपको कि इस पर अगर कोई इस तरह का कोण होगा तो ये कोण दोनों 180 डिग्री के होते हैं। अब हमें एक्स वाई जेड कोण दे रखा है 64 डिग्री, तो इसको निकाल लेंगे, एंगल जेड वाई पी प्लस 64 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो एंगल जेड वाई पी बराबर इसमें निकालेंगे 116 डिग्री निकल आता है। ठीक है, तो ये तो हमने जेड वाई पी तो आसानी से निकाल दिया, लेकिन हमें निकालना क्या है, एक्स एक्स वाई क्यों निकालना है हमें। ठीक है, तो अब 180 डिग्री है यानी कि ये पूरा का पूरा 116 डिग्री निकला है, तो 116 डिग्री का मतलब यह है तो एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। तो अब इसको हम निकाल लेंगे, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी बराबर 116 डिग्री, तो एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू बराबर 116 डिग्री, टू एंगल जेड वाई क्यू बराबर 116 डिग्री, तो जेड वाई क्यू बराबर 116 डिवाइड बाई 2 58, यानी कि एंगल जेड वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी बराबर 58 डिग्री होंगे, 58 डिग्री होंगे, एंगल जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी बराबर 64 डिग्री। ठीक है, सॉरी 58 डिग्री, 58 डिग्री, तो ये हमारा 58 डिग्री निकल गया। अब हमें क्यू वाई एक्स वाई क्यू निकालना है, तो 64 और ये आराम से निकल जाएंगे, तो एंगल एंगल एक्स वाई क्यू बराबर एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू रख दो वैल्यू, 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री बराबर कितना हो गया, 8 × 12 122 डिग्री। तो हमने एंगल जेड वाई क्यू तो निकाल दिया, एक एंगल तो हमने निकाल दिया, अब दूसरा निकालना है हमें क्यू वाई पी, नहीं क्यू वाई पी नहीं, निकालना है हमें एक्स वाई क्यू और क्यू वाई पी निकालना है, क्यू वाई पी निकालना है। ठीक है, क्यू वाई पी निकालने के लिए हमें आगे क्या करेंगे कि भाई
एंगल पी वाई एक्स प्लस एंगल तो अब हमें एंगल क्यू वाई पी निकालना है। एंगल क्यू वाई पी बराबर 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी हमारा 58 डिग्री है ही, तो एंगल क्यू वाई पी बराबर 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, ठीक है। एंगल क्यू वाई पी बराबर 302 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 हम अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।